पड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। आजादी के आंदोलन में यही पंक्तियां थी जिसे वंदे मातरम के बाद सबसे ज्यादा गाया गया। यही लाइनें थी जिसे आजादी के दीवानों ने जीने मरने की लाइनें बना ली और ये पंक्तियां लिखी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने। अब हमारे दिल में बिस्मिल का जन्म उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में सन 1897 में हुआ। ये वक्त था जब देश में आजादी का आंदोलन जोरों पर था। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ ऐसी लहर उठी थी जो पूरे अंग्रेजी शासन को लीलने को बेताब हो चली थी। अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों से संपर्क में आने के बाद बिस्मिल ने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। ब्रिटिश साम्राज्य को दहला देने वाले काकोरी कांड को राम प्रसाद बिस्मिल ने ही अंजाम दिया था। बिस्मिल ने ब्रिटानी हुकूमत के खिलाफ न सिर्फ बंदूक उठाई बल्कि उनकी कलम भी बारूद ही उगलती थी। अपनी कलम से बिस्मिल ने क्रांति की वो चिंगारी छेड़ी जिसने ज्वाला का रूप लेकर ब्रिटिश शासन के भवन को लाक्षाग्रह में बदल दिया। बिस्मिल अजीमाबादी के नाम से भी आपने काफी शायरी की। जीवन के अंतिम सफर में जब आपको गोरखपुर जेल भेजा गया तो आपने आत्मकथा भी लिखी। 19 दिसंबर 1927 को आपको देशभक्ति के अपराध में फांसी की सजा दी गई। आज उनके जन्मदिन पर आजाद हिंदुस्तान के हम सभी लोग आजादी के लिए जान कुर्बान कर देने वाले दिलेर राम प्रसाद बिस्मिल को याद करते हुए उन्हें नमन करते हैं। मंजीत ठाकुर, डीडी न्यूज। हम भी आराम उठा सकते थे घर पर रह कर।